कसको फोन आगो बहन लप्पुआ। हाँ बहन। भाई मेरा मन कर रहा गांव आन लू, भतीजी भतीजे ने देखने लू। आजा बहन। अरे वो तो है ना घर है, अब मेरा टेम्पू न आने जी ना करे, मुझे उल्टी उल्टी लगे। फिर कैसे करा तो बहन? भाई ऐसा कर, तय भेज दे मोले इनको, उले जाएगा मोए। ठीक है बहन, अभी भेज रहा हूँ। ओ छोरा, ओ तैयब, तैयब, हाँ मेरी डोकरी को जाना कितलो पसरो पड़ो है। काई कह रहो बाप? काई की कह रहो बाप, अब मेरी डोकरी का अंडा दे दे, आमलेट बना खाऊंगा। अरे बाप की पतो ही ना जान कहा बकवास करतो रहे खाम खा। ओ मेरी डोकरी के, ओ मेरी डोकरी के, आ तेरी फूफी को फोन आया लप्पो को, वहां को तमन से मिलन लू मन कर रो, जा ओवा लिए दौड़ के जाके। यार बाप तू मुझे एक बात बता, मन फूफी को कर रो मिलन लू और वहां लेके हम आ, मैं वहां आप ही घुसे हूँ। तेरी कहा भैंस खोल ली मेरी डोकरी के वाले। यार बाप तुम लू बता, फूफी लप्पो के ब्याह में मैं एक टांग खड़ो रहो, सारा टेंट लगवायो, सारी कुर्सी जमवाई, सारे राशन लायो, मुर्गा लायो, भुनाम करवायो, प्याज लायो, सलाद लायो और मोलू का एक रसगुल्ला भी ना मिलो हम खान लू। ऐ मेरी डोकरी के चर्रू, तो मैं तो चरने की बात, तेरा कछाड़ में आग लग रही होगी ना। अच्छा मेरे मेरे लगे तेरे ना लगे। ऐ मेरी डोकरी के, आ तेरा अब भी कछाड़ में आग लगी रहेगी के, पूरे इलेक्शन में कभी तो तू मुंशी के ढाबे पे जाओ, कभी हकमू के ढाबे पे जाओ, कभी कुरेसीन के ढाबे पे जाओ, कोई ढाबो तने छोड़ो के ना छोड़ो, जब भी तेरे तो आग लगी रही। ओ बाप, और काई के ढाबे पे ना जाऊं मैं बस ताऊ सुट्टा के ढाबे पे जाऊं, काई के पे फटकू भी ना हूं, हूनी खाऊं, हूनी पीऊं, हूनी सोऊं, हूनी लोटूं, और ना जाऊं मैं काई के पे भी। ए मेरी डोकरी के, ए वापे अपने काम तो हो मना, तेरे कामन ने जरूर करवा दिएगा, तू बकवास मत कर, तू जाके ले का चोरी जाके। कहीं से जाऊं मैं? आ मेरी डोकरी के एक काम कर, मेरे कन्नैन पे बैठ जा और मो घोड़ा बना के ले चल। वाह या बात है, तो बाप तू बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नू कहेंगे अच्छे मोटे हट्टे कट्टे मुस्तंडा पड्डा पे बैठ का आयो। तो मेरी डोकरी का तो मैं मजाक करूँ। ढाई किलो वजन है सुट्टा है, हमने कहा दिक्कत है सुट्टा की, आज अच्छी पिल रही है, चले उसे। अरे गड्डी तो तू हवाई जहाज की तरह चलाता रे। बब्बू जी गड्डी तो मैं ऐसे ही चलाता हूँ। वो तो ठीक से, पर थारा हेलमेट कहाँ से? ओ बाबू जी हेलमेट भूल हो गए। कोई नहीं भाई, आगे से तू याद रखेगा, 72,000 का चालान कटेगा ना तो तेरे को बेरा पाट जाएगा। अरे बब्बू जी तन्ने पता है गड्डी किसकी है? अरे भाई पता से, बजाज की से और प्लेटिना से। अरे बापू जी वो तो मन ने भी पता है बजाज की ये प्लाटीना है, लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मालिक कौन है। अगर इसके मालिक का नाम सुनोगे ना पैरों नीचे से जमीन निकल जाएगी, आगे से ऊं और पाछे से पू निकल जाएगी। ऐसा तो हमारे साथ कभी हुआ नहीं, आज देख लेते हैं कहाँ से ऊं निकलती है कहाँ से पू निकलती है। अरे बापू जी ये सुट्टा सरपंच की गाड़ी है। अरे तो ये सुट्टा सरपंच की गाड़ी से? आप उतरो, आप ये बताओ चाय लोगे ठंडा लोगे या फिर लस्सी मंगा दो। अरे बाबूजी
जल तो हर मन कर रहो ने वही मंगा दियो। ना 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 तू ही बोल क्या चाहिए जनाब। एक कड़क सी ने कॉफी मंगा दियो। अरे मंगवाना के चल साथ में चल के पी लेते हैं। सुन इसके कागज आरसी लाइसेंस सारे डॉक्यूमेंट लेकर वरना गाड़ी पाउंड कर दूंगा। जल्दी जा। आप बबराए को हेलमेट ना आप कहा करो अपनी गाड़ी छूटेगी। एक बार ही देख ले कुछ खबर आई हो तो सरपंच के काले कारनामों का चिट्ठा खुला। सड़क घोटाला लेटरिंग घोटाला सरपंच को हुई 700 साल की सजा। 700 साल की मेरी टोकरी के ऐसे खावना जैसे आटे में नमक पूरे आटे ही खान लो भगे हमारा नाम की ना जा कहीं। ओ सरपंच साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। छोरा कैसे होंक तो आयो। अरे सरपंच साहब बताऊं कहां इन पुलिस वाले खैना के पे मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली। मोटरसाइकिल पकड़ ली तन मेरे नाम की ना लियो। अरे सरपंच साहब नाम ना लियो पूरो एड्रेस बता दियो। एक तो मेरी डोकरी को कालो सो कलसंडा वो लगा ले इतनी चूतड़न में दिए लाल कर दिए। राव वाकी माकी शर्म कर रहा हूं मैं। नहीं एक मिनट वर्ड दियो करवा दे तो ऐसे कर तू चल मेरे साथ। अरे सरपंच साहब अस्सलाम वालेकुम। अरे ओ दरोगा मेरो नाम ही काफी ना हो। अरे सरपंच साहब आपको नाम तो काफी हो अपर मुँह कहा पर तो मेरे इलाके में इतने तो सरपंच कोई सुट्टा कोई एडू घेडू। आओ जाओ बैठो। देख ले भाई दरोगा एक फोन की मार है डब्बू वाली पहुंचा दूंगा। सरपंच साहब कोई बात ना है ऐसे बड़े बड़े शहर में छोटी मोटी बात होती रहे। अब तुम तो बताओ चाय लेवे ठंडा लेवे। ना 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 मेरे जी ना करो सरपंच साहब मंगवा लेने कुछ सौदा फ्री कोई तो आरो मंगवा ऐसा कर दरोगा साहब दो चाय मंगवा मलाई मार के अभी मंगो। सरपंच साहब पकौड़ा मंगवा लेने अब पकौड़ा भी ले आए थोड़ा सा। कोई बात ना जब छोरा का मन कर रहा हो तो ऐसा करियो पाव सिरक पनीर पकौड़ा मंगवाओ अभी मंगवाओ। हाँ दरोगा साहब ऐसा करियो थोड़ी सी चटपटी सी चटनी और लिया है पकौड़ा के साथ। अरे जब मीठी आ रही है तो तीखी मंगवा दियो दरोगा। मंगवा रहे। हाँ बस सुन एक पकौड़ा चाय चाय डाल चटनी और दो गिलास चा बिल्कुल बड़ा ही मार गए। सरपंच साहब आसमान में से मंगवा रहे हैं। ओ दुपट्टा आजकल डिजिटल जमानो ड्रोन सवारी होगी। लुक पट्टा जरूरी किस आ रही है इस सुबह सके और इस सुबह आ सके। अभी तो हम तन्ने अंदर डालेंगे भाई सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। दरोगा साहब तेरो मेरे बताए को सामने निकलो जल्दी। पट्टा आना रहो अभी तो आ जा लिख वो जरूरी है हेलमेट ना लिखा। सरपंच साहब मैं ले जा रहा हूँ मोटरसाइकिल है वो अपनी फू पिलानी है। अपने फूफा फापी ने बाद में लिया है पहले वो घर छोड़िया। यार सरपंच साहब तू नू बता तू सटी टे गाम का माल है खागो कोटा तू खागो नाली इनके पैसा ने तू खागो रास्ता ने तू खागो और तो और जहाँ तू लेट ने खागो जब भी तू पे एक बढ़िया सी गाड़ी ना ली जावे। ओ लुक पट्टा ज्यादा बकवास मत करे। आ मेरा कहने को मतलब ये तू लेटरिन के पैसा ने ना खागो। ओ लुक पट्टा अगर तू इतना होशियार होता ना तो आज मेरी जगह तू होतो।
अभी अगर मैंने गाड़ी ले ली ने इस सारो गांव मेरे पीछे लग जाएगो। ई मोतारी कन सुना ने बटन देगो। मो भी तो बिठा ले। अरे जब चलो जाए मैं पहले पुणहाने जा रहा हूं, मो एक मीटिंग सिम जाना। ए भाई कुद्दल, तने अब तक ना भेजो छोरा, हीन तो ना आया। छोरा तू अपनी फूफी ना लाया रे? आ मेरी डोकरी के वापस फोन आयो, तू तो हुन गयो ही ना बतायो। रात ही रही है ऐसी पैसी करू ना एक कुछ। डोकरी के रुक जा, तो अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, डोकरी के कैसे ना लाया तू? अरे बहन लप्पो, अरे मेरा चश्मा गिर गया, डोकरी को तो लेन लो भेजो। ए नू आगो, ए तू आगे रड़गड़े में जा, तू ठुकगी बहन। अरे बहन लप्पो आज बहन, अरे गलती की माफी दे दे बहन। ए वहां की जगह डोकरी की जगह तू ठोकी में चला जा, आजा। हेलो गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक एंड शेयर भी करें। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस हमारा सेकंड चैनल मुस्तफा सरोलिया उसको भी सब्सक्राइब करें। और गाइस हम आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। तैयब बिसरिया चैनल पर उनकी एक मूवी आ रही है एहसास नाम की, जो आपको ईद के तोहफे के तौर पर दी जा रही है। तो गाइस उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा पसंद करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस उस मूवी में हमने हमारी पूरी यूनिट है बहुत बहुत अच्छा बहुत बहुत मेहनत करी है गाइस। हाँ तो गाइस आपके हाथ में उसका रिस्पॉन्स देना, कैसे आप उसको पसंद करोगे। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।